जय माता दी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माय चैनल वेदानुलेखा लेखा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो आज मेरा टॉपिक है अगर आपको आपके नवरात्रि नौ के नौवें दिन में जब हम कन्याओं को पूछते हैं अष्टमी और नवमी में अगर कन्या ना मिले नौ कन्याएं ना मिले तो हम अपनी जो उपवास है कन्याओं का प्रतिभोज करवा के संपूर्ण मानी जाती है तो वो संपूर्ण कैसे और हमें हमारी मनोकामना हमारी पूजा वो अधूरी ना रहे तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए माने मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप आप जिस दिन आपकी कन्या भोज रहता है और अगर आपको नौ कन्याएं ना मिले तो आप दो कन्याओं को भी कर सकती हैं अगर दो कन्याएं भी ना मिले तो आप क्या करना कि नौ नौ जगह आपको आपकी थाल सजानी है नौ कन्याओं के लिए और एक कन्या के लिए जो हमारे भैरव बाबा रहेंगे और इन्हें जाके इन कन्या भोज जो हमें हमने पूरी थाली सजाई है इन्हें हमें कन्या भोज के लिए जो इन्हें जाके हमें किसी मंदिर में बाहर जाके कन्याओं को ढूंढ के देवी माँ के कोई भी मंदिर या फिर कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाके हम कन्या भोज करवा सकते हैं वहाँ कन्याओं को ढूंढकर कर और उनका हम विधि पूर्वक पूजा करेंगे जो हमने नौ थालियाँ सजाई हैं उनको हम वो खिलाएंगे और हम उनके दक्षिणा और देंगे ये हमें मंदिर के बाहर अगर हमें मंदिर में या मंदिर के बाहर हमें कन्याएँ नहीं मिलती हैं तब आपको क्या करना है अगर आपको मंदिर में जाके भी कन्याएं ना मिले तो आप क्या करेंगे आपको आपको उन नौ थालियों को जो हमने नौ कन्याओं के लिए और एक कन्या के लिए रखा है उन्हें जाके गाय को खिलाना है आपको जैसे पता है दोस्तों हमारे गौ माता में तैंतीस करोड़ देवी देवताएं होते हैं तो आपको उन ये अपनी जो पूरी थाली है उन्हें हमें गाय को गाय जी को अर्पित करनी है गौ माता को खिलाना है जिससे कि हमारा व्रत पूर्ण हो सके और हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सके हमारी मनोकामनाएं तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ओके जय माता दी दोस्तों